एक बार जरा दिखा देते हैं नजारा। ये अबू धाबी में पूरा मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो हिंदू मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कतर से अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा, आज ही 7 जो नेवी के अफसर थे उन्हें रिहा किया गया है, कुल 8 को रिहा किया गया, उनमें से 7 भारत लौट गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर वैश्विक डंका जो भारत का बज रहा है उसी की एक तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। मुस्लिम देश जहां पर लोग पहले अपने भगवान की मूर्ति लेकर आने में डरते थे, या फिर अगर हाथ पर आप कलावा बांधे तो दफ्तर में आपको कहा जाता था ये अनप्रोफेशनल है, इसकी इजाजत नहीं है, वहां से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और यहां पर जो हिज होलीनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री अच्छी है। ये पूरी जगह 27 एकड़ की इस मंदिर के लिए दी गई है, जिसमें ये सिर्फ मंदिर का 13.5 एकड़ में भव्य नजारा बना है, जिसमें आप बलुआ वही नागर शिल्प में आप देख रहे हैं ये मंदिर जो राम मंदिर अयोध्या में इस्तेमाल किया गया है। और एक खूबसूरत नजारा जल्दी से आपको दिखा देते हैं, इधर से देखिए ये गंगा यमुना दोनों तरफ यहां पर पावन नदियां जो भारत की है वो, और नीचे आगे जो काली वाली जगह पे आप पत्थर पे देख रहे हैं तो तीनों है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, बीचों बीच सरस्वती जी है। इधर दाईं तरफ गंगा जी देख रहे हैं आप, इधर घंटियां लगाई गई हैं, गौमुख है दोनों तरफ, और एक भव्य नजारा आप मतलब कौन सोच सकता है कि शेखों के शहर में यूं शंख बजते हुए हम देखेंगे। और ये नजारा अद्भुत है जो आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। चूंकि हल्ला बोल आप लोग देख रहे हैं तो हमने सोचा हमारी यहां पर मौजूदगी है आज, तो ये मंदिर का नजारा आपको दिखा दें, बहुत भव्य है। इसमें 7 शिखर हैं, ये जो दाई इस तरफ आप देख रहे हैं ये भगवान शिव का है, शिव पुराण यहाँ पर है, अभी शिव जी का ये वाला मंदिर है, 7 अलग अलग देवी देवता हैं जिनको बनाया गया है। ये वाला शिव जी का मंदिर है जिसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय सभी उसमें हैं। तो दूसरी तरफ जो शिखर है उसमें आप देख रहे हैं भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी हैं, और उस पर रामायण को पूरा चरितार्थ किया गया है। और यहाँ पर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उसी के साथ इस तरफ रामायण की पूरी जो कलाकृतियां हैं, नागर शिल्प में भव्य ये मंदिर बनाया गया है। तो इस गहमा गहमी के बहस के बीच में हमने सोचा कि आपको चूंकि अबू धाबी में हम हैं तो मंदिर का भी नजारा दिखा दें। नवल किशोर जी, आपके पास आते हुए भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आपने भी पूरी साजिश रची थी, उनके विधायकों को ऐसा हाल हो गया कि विधायक उनके इनकम्युनिकेडो हो गए, बताया जा रहा है कि आरजेडी की साजिश थी लेकिन बावजूद इसके एनडीए की जीत हो गई। आज सवाल यह है कि एक बहुत बड़े तादाद में, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे यहां पर हम इससे पहले हमने देखा है मिलिंद देवड़ा हो, अन्य नेताओं, अगर एनडीए की तरफ जा रहे हैं, इसका संदेश क्या है, वो कौन सा संदेश है जो आप लोग शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं? देखिए अंजना जी, हमने पहले भी बोला था या पब्लिक फोरम पे बोला था कि नीतीश जी को बताना चाहिए कि जो अंजना जी को शो करना पड़ रहा है कि नीतीश जी छोड़ के जा रहे हैं उसका कारण बता दीजिए। उन्होंने कारण बताने के बजाय 24 घंटा के अंदर पाला बदलना उचित समझा। ये बात तो हम उस समय से ही कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए सरकार में रहना और नहीं रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सदन में बहुमत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार का लोकमत। बिहार के लोकमत में आज चर्चा का विषय क्या है कि 17 साल में जो काम नहीं हुए वो 17 महीने में हुए, ये चर्चा का विषय है। आप कह रहे हैं कि हम साजिश कर रहे थे, आपने देखा होगा बिहार में पिछले 24 घंटे में तेजस्वी यादव के घर के आसपास, जिसके अंदर पूरा देश जानता था, आपके मीडिया भी दिखा रहे थे कि उस उनके आवास पे उनके अपने विधायक, उनके महागठबंधन के विधायक बैठे हुए हैं, लेकिन 2:30 बजे रात को भी पुलिस वहां पे बड़ी संख्या में आकर क्या कर रही थी, वहां से कैसे विधायक को उठाकर ले जाती है। ये साजिश की जो बात करते हैं ना, डराने धमकाने का जो बात या संकेत मिलता है उसका पूरा खुलेआम एकदम निर्लजता से उसका प्रदर्शन किया जाता है, ये सब लोग देखते हैं। सदन के अंदर भी हमारे नेता ने कहा कि चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि से नीतीश कुमार जी हैं तो हम उनका आदर पहले भी करते हैं, आप भी आज भी करते हैं, हमने उनके साथ काम किया, लोगों के सामने उन्होंने बोला कि ये बिहार का भविष्य है और काम करके हमने दिखाया। उनकी चिंता क्या हुई, ये जरूरी था या मजबूरी था पाला पलटना, वो तो ये बताएं। हम तो सिर्फ सुधांशु जी से ये पूछ रहे थे या भाजपा से सिर्फ हमारे नेता ने ये पूछा कि जो मोदी जी गारंटी देते हैं क्या यह गारंटी दे पाएंगे कि वो अगली बार पाला पलटेंगे कि नहीं। तो ये बात जो है 9 बार बदलने की बात है। हमने उनके साथ जो 17 महीने काम किए वो बिहार के हित में काम किए, बिहार के युवाओं के लिए काम किए, बिहार के विभिन्न विभाग जो हमारे पास था
उसका अगर एक आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने उसमें एक उम्मीद जगाई और यही चर्चा लोकमत में है। नवल जी, मैं तो कहती हूँ, नवल जी सुनिए ना, मैं तो कहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ एक बार सुधांशु जी को दिखा दीजिए और एक तरफ दिखा दीजिए अतुल लौंडे पाटिल साहब को। आप दोनों से मैं एक एक प्रश्न करूंगी, ईमानदारी से उसका जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा था ना अतुल साहब की जनता है ये सब जानती है, वो जनता खुद ही समझ जाएगी। अगर मेरे सवाल से आप भागेंगे तो जनता समझ जाएगी कि दाल में कुछ काला है, यानी दूध में पानी मिला हुआ है, वरना वो समझ जाएंगे कि सब शुद्ध है। चलिए सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे है, क्या अशोक चव्हाण जी को बीजेपी अपने टिकट पर राज्यसभा पहुंचाने वाली है? अशोक चव्हाण जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, तो इस प्रश्न का भाजपा से पूछने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी तो एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तो कांग्रेस के लोग इस पे जवाब दे सकते हैं क्या परिस्थिति थी और किन कारणों से छोड़ा गया है। ठीक है, जनता पर सोचते हैं, छोड़ते हैं कि वो क्या समझते हैं। अतुल जी, अब आपके पास आती हूँ। संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता की कार्यशैली से उन्हें शिकायत थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दी थी। क्या आप टीवी पर बता सकते हैं कि वो कौन से महाराष्ट्र के नेता हैं जिनकी कार्यशैली को लेकर उनकी शिकायत थी, और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आखिर अपने नेताओं की क्यों नहीं सुनता है? अगर उनकी शिकायत रहती है तो उसका निवारण क्यों नहीं करता है? अंजना जी, इसका जवाब तो मेरे देने से पहले सन्मान्य अशोक चव्हाण साहब ने पहले ही दे दिया है। उन्होंने कहा मैं किसी के खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से मैं नाराज होकर नहीं जा रहा हूं, मेरे अपने कारण है। मैंने आज कल तक ईमानदारी से कांग्रेस में था, ईमानदारी से कांग्रेस का काम किया। मुझे आज इस क्षण में ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नया मैंने कुछ सोचना चाहिए, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के सदस्यत्व से इस्तीफा दे दिया। ये तो उन्होंने कह दिया, मुझे कहने की बात नहीं। लेकिन एक बात आपने जो कही वो मैं थोड़ा सा उसको बता दूं। आपने कहा तू तड़ाक की बात, सही बात है आपकी, देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में तू तड़ाक से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद जो भाषण देते हैं पार्लियामेंट में, उसमें 60 साल पहले जो देश के पहले प्रधानमंत्री है उनका कुछ तो योगदान रहा होगा। उनके बारे में जिस तरह से बात करते हैं, उनके बारे में जिस तरह से झूठ फैलाते हैं, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में तू तड़ाक से बात नहीं करना चाहिए। आप अबुधाबी में खड़ी है, बहुत खुशी होती है जब वहां पर हमारा मंदिर बन रहा है। अबुधाबी एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन उसकी सहिष्णुता देखिए। अब आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, आप राम जी के मंदिर में खड़ी हैं और राम जी सत्य की पहचान है, क्या हमारे देश में सहिष्णुता बची है 2014 के बाद? होनी चाहिए सहिष्णुता, बची है क्या? संविधान भी कहता है हमारा, और खुशी बता आपको जवाब लेते हैं सुधांशु जी से कि आपने हमको सुधांशु जी तीनों प्रश्न का आंसर करा दीजिए। वो कह रहे हैं कि मंदिर अबुधाबी की सहिष्णुता दिखाता है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम राष्ट्र की सहिष्णुता दिखाता है। वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये नहीं है हमारे देश, आप जवाब दीजिए उनकी बात। शायद अतुल जी को पता नहीं है, आजादी के बाद भारत में 300,000 मस्जिदें बनी है, 300,000। और अतुल जी को शायद पता नहीं है, भारत में भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, अगर लैंड जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, यानी सरकार के बाद सबसे बड़ा लैंड ओनर वक्फ बोर्ड है। और आपने जो कहा, मैं तो इसको दूसरे ढंग से देखता हूं, भारत की सहिष्णुता का तो उदाहरण पूरा है। मगर हमें एक बात याद आती है अंजना जी, हम लोग जब बचपन में राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुनते थे तो कहा जाता था जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन पेट्रोल देना बंद कर दे। जनाब आज देखिए क्या दिन आया है कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूएई यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। हमारे सबसे बेहतर संबंध है और अतुल जी, इसी यूएई ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। ये वही यूएई है जो पाकिस्तान का सबसे खास माना जाता था, हम सफर हम निवाला हम प्याला हमराज, और वो आज मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद दे रहा है और पाकिस्तान के कटोरे में चार भीख की चीजें भी नहीं दे रहा है। आप सोचिए कि आप लोगों ने जिन प्रवृत्तियों को भारत में पाला, यदि हमने अपना विषय ईमानदारी से रखा होता तो सिर्फ, और ये आज की बात नहीं है, योग को भी उसने मान्यता दी है, 40 मुस्लिम देशों ने मान्यता दी है। और ये वो यूएई है जिसके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, एक नई विचार आ रहा है। यहाँ के जो प्रिंस जायद है उन्होंने किया है, इवन मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने भारत के साथ व्यापार की बात की है, वहां पर एक नया विचार आ रहा है। मगर हमारे यहां सोचिए
वहां पर तो बदलाव आ रहा है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। हमारे आप लोग लड़ते थे जब मोदी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया, मेहरम की परंपरा उन्होंने समाप्त कर दी, जब हमने समाप्त किया आप कहते थे मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं वास्तविकता में भारत का असली स्वरूप अब उभर के आ रहा है, और मुस्लिम समाज के साथ जितना नुकसान कट्टर पंथियों ने किया उससे ज्यादा सेकुलर पंथियों ने किया है, और अब दोनों का चेहरा बेनकाब होता चला जा रहा है। चले बात करते करते देखिए सुधांशु जी, घनघोर बारिश हो रही है रेगिस्तान में, ये बारिश है ये वाले हिस्से में हम लोग आ गए हैं, जरा आपको दिखाते हैं हमारे लिए, यहाँ यहाँ इधर आ जाइए, 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 इधर आ जाइए महेश, इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ से अब बुलेटिन करना पड़ेगा क्योंकि घनघोर बारिश यहाँ पर शुरू हो गई। एक बार नजारा दिखा दीजिए, पानी में दिखेगा कि किस तरह की बारिश हो रही है। हम लोग मंदिर के इस हिस्से में आए हैं ताकि बचकर यहाँ से बुलेटिन करें, लेकिन ये भव्य नजारा है जिसमें विश्व में भारत का डंका बजते हुए आप देख रहे हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच अबू धाबी में गंगा यमुना सरस्वती को बहते हुए आप देख रहे हैं, और उसी के साथ ये वही हिस्सा है जहां पर गंगा जी इस तरफ पूरा दिखा रही है, और ये बनारस का घाट यहां पर पूरा बनाया गया है, वाराणसी का घाट। घनघोर बारिश अबू धाबी में मंदिर के यहां पर इनॉग्रेशन के पहले, उद्घाटन के पहले आप देख रहे हैं, जबरदस्त बारिश यहां पर हो रही है।